9 फरवरी साल 1943 में ग्वाडल कैनाल का युद्ध जापान की हार के साथ खत्म हुआ। इसे इतिहास में ग्वाडल कैनाल अभियान के नाम से भी जाना जाता है। ग्वाडल कैनाल सोलोमन द्वीप पर स्थित है। इस अभियान की शुरुआत अगस्त 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब जापान के खिलाफ मित्र राष्ट्रों ने मोर्चा खोला था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय में नौसेना की बड़ी भूमिका रही और इस लड़ाई के समाप्ति के साथ ही सोलोमन द्वीप से जापान का आधिपत्य खत्म हो गया था। 9 फरवरी साल 2008 को डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे का निधन हुआ। ये भारत के प्रसिद्ध और सम्मानित समाजसेवी थे। दुनिया इन्हें बाबा आमटे के नाम से जानती है। बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। इन्हें कुष्ठ रोगियों का मसीहा कहा जाता था। बाबा आमटे द्वारा किए गए जनहित सेवा कार्यों के चलते भारत सरकार ने इन्हें साल 1971 में पद्मश्री और साल 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बाबा आमटे को मानवाधिकार के क्षेत्र में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 1988 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मान से भी नवाजा गया।